नो कौन आ रहा भाई? डिमांड करूंगा नोवो के साथ। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है भाई तेरा नोवो में? अर्जुन प्लस। भाई लास्ट वाली साइड उतरना, टीम अप करेंगे। आओ। मार जंप। तो भाई ये दोनों बंदे जो है उतर चुके थे टीम अप करके नोवो में, तो मुझे इन दोनों को नोवो का टीम अप जो है वो बिगाड़ना था। तो बस ऐसे बंदे आपको जब भी प्लान पे बात करते दिखाई दे तो उनकी जगह पे जाइए और उनका टीम अप बिगाड़िए। क्योंकि गाइस जब आप रैंक पुशिंग करते हैं कॉन्करर लॉबी के लिए या फिर कॉन्करर के लिए, तो यहाँ पे आपको सारे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, लेकिन आपको उन सभी का टीम अप बिगाड़ना है। क्योंकि गाइस ये जो है आपकी ऐसे टीम अप कर करके जो है ये कॉन्करर पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि टीम अप करना जो है पबजी में इलीगल काम है। तो गाइस देखो आपको उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉन्करर बंदा जो होता है वो काफ़ी अच्छा प्लेयर, स्ट्रेटजीदा और काफ़ी अच्छा एग्रेसिव खेलने वाला प्लेयर होता है। क्योंकि गाइस उसको जो है अलग से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो भाई ऐसे बंदों को जो है आपको पहले उनका टीम अप बिगाड़ना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देखो ये बंदा दिखा मेरे को, इस पर मैंने कुछ शॉट्स लाए और मेरे पास थी ये, मेरे को बहुत ही बेकार लगती है, यानी ये कम चलाना आती है मेरे को। यहाँ पे इस बंदे को मैंने कुछ शॉट्स दिए लेकिन कनेक्ट भी हुई, लेकिन वो बना। अब आगे वाले बंदे की बारी है, इसको कैसे मारता हूँ। तो एक भाई इस बंदे को मारने के बाद मेरे को लगा खा जाएगा, क्योंकि मेरे पास हेलमेट तो था लेकिन मेरे पास बेस्ट नहीं थी, और उसने मेरे को बॉडी शॉट मारे थे यूजी से, क्योंकि गाइस यूजी जो है बहुत खतरनाक क्लोज कॉम्बैट में गन होती है। तो आगे देखो एक और बंदा मेरे पास आता है, इसको देखो कैसे लपेटता हूँ मैं। और भाई इस बंदे ने मुझे बहुत नचा लिया, मेरे तो इसके सामने प्राण ही निकलने वाले थे, क्योंकि गाइस वहाँ से मैं मार खा के आया ही था और यहाँ पे इसने मेरे को पेल दिया था। तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने हेल्थ वेल्थ लगाई, सॉरी गन लूट की, और मेरे पास हेल्थ वेल्थ तो थी नहीं। अब देखो आगे क्या होता है। तो भाई वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे मेरे को एक बंदे के फुटप्रिंट आए, जो कि एक काफ़ी अच्छा कैंपर था, यानी वो बहुत ही कैंप कर रहा था, और उसको मैंने मारने के लिए काफ़ी सारी स्ट्रेटजी लगाई, और लेकिन मेरे को उसकी जो है एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चली। तो मैंने घूम के इसको मारा और देखो इस बंदे को मैंने कैसे मारा। ऐसे सिचुएशन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको अलर्ट भी रहना होता है और बंदे की लोकेशन भी पता करनी होती है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने नेट की पिन खींची थी अभी थोड़ी देर पहले और मैंने रख ली, क्योंकि मुझे लगा कि इधर का आसपास कहीं होगा तो वो नेट की पिन की साउंड सुन के वापस निकल सकता है, तो मैंने ऐसा किया। अब देखो वो नहीं निकला, तो अब देखो इस बंदे को कैसे मारता हूँ। तो भाई इस बंदे को मैं नेट से तो नहीं, लेकिन मेरे इस बंदे को बहुत पहले मार सकता था जब मैंने इधर को टीपी भी लिया, क्योंकि इसकी मुझे जो है गन दिख गई थी, लेकिन मैंने इसे नहीं मारा। मैंने देखता हूँ ये बंदा क्या करता है अभी यहाँ पे, तो लेकिन ये गलत टीपी भी ले रहा था। गलत टीपी का मतलब आपको जो है टीपीपी थोड़ी अंदर की साइड लेनी चाहिए, यानी कि आपको अपना शरीर बचा के रखना चाहिए कि सामने वाले एनिमी को आपको शरीर नहीं दिखे। ये आपको आप लोगों के लिए टिप है। तो ऐसे ही मैं आगे आने वाले गेम प्ले में, इस वीडियो के आगे वाले जो बंदे मैं मारूंगा उनको मैं बहुत टाइम देता हूं अपने आप को, मतलब वो मुझे मार दें, क्योंकि इसमें उनको बहुत टाइम देता हूं कि तू मुझे मार दे, लेकिन वो मारते ही नहीं है, पता नहीं कैसे छुप छुप के खेलते हैं। अब देखो आगे कैसे बंदे होते हैं, मिलते हैं आपको। सो गाइस मैं उधर बेयर ऑफ साइड जा रहा था, तभी मुझे एक बंदा यहाँ पर घूमते हुए दिखा जो कि ओपन में दौड़ रहा था। उस बंदे को उसने जैसे ही मुझे देखा वो छुप गया था। अब गाइस इस बंदे की बारी थी कि इसको मैं कैसे लपेटता हूँ, आगे देखिए वीडियो में। ओह तेरी बॉट ऐसे भी होते हैं यार,
मुझे लगा यार रियल बंदा होगा, क्योंकि गाइस वो मुझे देख के छुपा था, मुझे नहीं पता था ये बॉट था, लेकिन ये बॉट था रियल में। तो भाई इसको मैंने बड़ी आसानी से मार दिया। और भाई मैं गाड़ी की तलाश कर ही रहा था, लेकिन यहाँ पे और किसी बंदे ने यहाँ पे गोलियाँ चला दी, यानी कि सिग्नल दे दिया कि मैं अभी यहाँ पे हूँ। अब गाइस उस बंदे की बारी थी, और गाइस वो देखिए बंदा मैं किस स्टाइल से मारता हूँ। M24 मेरे पास रखी थी, मैंने ठान लिया था कि इस बंदे को जो है मैं M24 से ही मारूँगा। तो देखो गाइस मैं M24 से ही मारता हूँ, और देखो कैसे मारता हूँ। पट से हेडशॉट। गाइस इसके पास एक चांस था, ये मेरे को नेट से मार सकता था, लेकिन इसने पता नहीं क्यों नहीं मारा। गाइस नेट वेड रखे रहते हो आप लोग, ये सारी यूज़ किया करो गेम में, जब कोई बंदा सामने हो और आप थोड़ी डिस्टेंस में हो वो पीक लेके खड़ा हो। नेट वेड किस लिए होते, इसी कारण होते, लेकिन इस बंदे नहीं मारा। देखो यहाँ पे मैंने इसको हेडशॉट दे दिया था, और इसने मेरी लोकेशन वोकेशन सब कुछ जान ली थी, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा था ये। अब देखो आगे क्या होता है। तो ब्रिज ब्रिज पार कर कर कहा कि, और मैं यहाँ पे जा ही रहा था, रास्ते में आराम से अपने घूम रहा था, जा रहा था कि कहीं से ड्रॉप ड्रॉप आ जाए, बंदा मिल जाए या फिर कुछ भी। और लेकिन यहाँ पे मेरी टकरार एक गाड़ी वाले से हो जाती है, और वो गाड़ी वाला जो है काफ़ी सही खेलता है, मतलब सही फ्री फायर देता है, लेकिन गाइस मैं उसको कैसे पहलता हूँ ये देखो। मे भी शायद उसने जो है स्कोप इन कर लिया होगा, इसलिए उसकी मूवमेंट जो है स्लो हो गई थी, वरना वो मुझे मार सकता था। गैस जब आप क्लोज रेंज में फाइट करते हैं तो आपको अपना स्कोप इन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैस जिससे आपकी मूवमेंट जो है स्लो हो जाती है। आप मिड रेंज में स्कोप इन कर सकते हैं, क्योंकि गैस वहाँ पर जो है आपको एग्जैक्ट मारना होता है, लेकिन क्लोज रेंज में आप फ्री फायर भी दे सकते हैं, तब भी बंदा मर जाता है। तो इस बंदे को मैंने टपका दिया था। अब देखो आगे वाले की बारी होती है। बंदे यहाँ पे बचे थे 19 और मेरे किल हो गए थे 7। अब देखो इस बंदे आगे क्या होता है। तो भाई मैं वहाँ से निकल के ड्रॉप साइड आ चुका था, और यहाँ पे देखो एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था। मैं इसके पीछे हाथ पैर धो के पड़ जाता हूँ, और मैं इस बंदे को दूर दूर तक नहीं छोड़ता हूँ। और देखो इस बंदे को मैं कैसे मारता हूँ, ये वीडियो देखो आगे, और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और भाई वो बंदा फिर से मेरे हाथों से बच जाता है, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ गया तो पड़ गया, चाहे मेरी जान की ही क्यों ना चली जाए। तो भाई मैं उस बंदे को फिर से जाता हूँ उस बंदे के पास, और मैं अपना बूस्ट लगा के जाता हूँ यहाँ पे देखो। और ये बंदा मेरे को थोड़ा थोड़ा सा रेंडर होता है, और यहाँ पर गाड़ी चेंज कर रहा होता है। अब देखो मैं उसको कैसे मारता हूँ। और भाई कोविड राम को मारने के बाद मैं फिर से यहाँ से निकल पड़ा, और यहाँ पे देखो मैं फिर जा रहा हूँ ड्रॉप के पास, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि उधर पे बंदा आएंगे ड्रॉप के पास, अभी और बंदा मर रहे होंगे, क्योंकि आज जोन भी उधरी साइड बना था और मुझे चाहिए थी किल, किल का मैं भूखा था। और यहाँ पे देखो मैं ड्रॉप के पास जाता हूँ, और वहाँ पर मुझे एक किल आराम से मिल जाता है, वो देखो कैसे।
और भाई गाड़ी वाला जो बंदा था वो तो निकल गया था मेरे हाथों तो, लेकिन ये गॉड पैंथर मेरे हाथों तो पड़ गया था। मैंने 6x लगा के M4 का OP स्प्रे देते हुए इस बंदे को मार डाला। और भाई मैं इन घरों के पास, मुझे लगा कि वो बंदा इधर ही रुका होगा, लेकिन गाइस यहाँ पे जो है दूसरा बंदा आ जाता है इसके अलावा। अब दूसरा बंदा आता है उसको मारना तो बनता था, और भाई मैं उसको बहुत ही परेशान कर करके मारता हूँ, मैं उसको बहुत ही टाइम देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं उस बंदे को बहुत ही टाइम दूंगा, किसी किसी बंदे को, तो मैं इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा टाइम देता हूँ। लेकिन गाइस वो पता नहीं कैसा खिलाड़ी था, और उसने वो जो है मेरे को मारा भी था, मतलब मेरी हेल्थ जो यूजी चला रहा था उसने मेरी हेल्थ आधी से ज़्यादा कम कर दी थी। अब देखो उस बंदे को मैंने टाइम कैसे दिया। तो यहाँ पर देखो मेरे को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, तो भाई इस प्रकार यहाँ पे मेरे जो है 10 किल हो चुके थे। अब मेरे को जो है नेक्स्ट टारगेट करना था, यानी कि मेरा 11वां किल होने वाला था। अब देखो 11वां किल मेरा कैसे होता है। तो मेरे भाई इधर पे किसी ने फ्लेयर चला रखी थी और मैं उस फ्लेयर के पास जा रहा था, और भाई यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छी भसड़ होती है, और ये बंदा जो है कैंपर था जिसने यहाँ पर मुझे लपेटा था। और देखो उस बंदे को मैं, उसने मुझे कैसे लपेटा। और यहाँ पे इसके द्वारा मेरा खेल समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, पसंद है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।